नमस्कार। गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत कोंडर गांव में, जो कोंडर झील के किनारे स्थित है, वहां पर आज हम लोग महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान पर हैं। महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग की शुरुआत की, वो योग जिसको आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हर साल 21 जून को मनाया जाता है, उनके जन्म स्थान का हाल देखेंगे हम लोग आज। और यहाँ पर जो इस जन्मभूमि के संरक्षण करता है डॉक्टर स्वामी भगवदाचार्य जी, उनसे भी हम लोग जानेंगे महर्षि पतंजलि के बारे में, कैसे इसका नाम कोंडर पड़ा, इस गांव का, इस झील का नाम कोंडर कैसे पड़ा, महर्षि पतंजलि का क्या इतिहास रहा है और अब तक क्या प्रयास हो रहे हैं उनके इस जन्म स्थान के विकास के लिए और इसको विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए। तो आइए सबसे पहले जो इस स्थान पर महर्षि पतंजलि का एकमात्र सांकेतिक चिन्ह है, जो उनका एक समाधि के रूप में बना हुआ है, उसको हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये एक बैनर लगाया गया है, श्री पतंजलि योग दिवस, पतंजलिपुरी, पतंजलि जन्मभूमि, कोंडर जनपद, गोंडा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर ये एक शिलापट है जो महर्षि पतंजलि के जन्मभूमि के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ मंदिर भी हैं जो अनेक देवी देवताओं के हैं, परंतु महर्षि पतंजलि के संकेत के रूप में यहाँ पर सिर्फ यही एक शिलापट है। इसके अलावा यहाँ पर ये आश्रम है जहाँ पर स्वामी डॉक्टर भगवताचार्य जी और कुछ अन्य संतगण रहते हैं। यहाँ पर गांव के निवासी एक सज्जन हैं। और इसके अलावा ये एक मंदिर है और कुछ यहाँ पर एक छोटी सी वाटिका लगी हुई है। और इसके विपरीत दिशा में कोंडर झील है जो करीब 350 एकड़ में फैली हुई विशाल झील है। तो ये हाल है इस पतंजलि के जन्मभूमि का। अब आइए हम लोग जानते हैं डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य जी से इस स्थान के और पतंजलि के बारे में। महर्षि पतंजल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर सर्वमान्य हैं और भारत को जगतगुरु बनाने में महर्षि पतंजल जी का योग बहुत महान कार्य कर रहा है। पतंजलि के विषय में सभी जानते हैं कि क्यों नाम पड़ा। योगेन चित्तस पदेन वाचाम बलन शरीरस च वैदिकेन यो अपाकरोत्तम परवरम मुनि नाम पतंजलिम प्रांजलि रानतोस्मि। महर्षि पतंजलि जी ने योग से चित्त की शुद्धि किया, व्याकरण से वाणी की शुद्धि किया और चिकित्सा शास्त्र से उन्होंने शरीर की शुद्धि किया। ऐसे पतंजल को मैं प्रणाम करता हूँ। पतंजल के विषय में यह सर्वविदित है कि पतंजल गोंडा के थे। उन्होंने महाभाष्य में लिखा है कि गोनर्दियस्तात, मैं गोनर्दीय हूँ। और गोनर्द का मतलब होता है जहाँ गायें भगवान श्री राम की गौशाला थी, अयोध्या से गायें गोंडा चढ़ने आती थी। गोनर्द का अभ्रंश गोंडा है। गोनर्द के विषय में यह है कि प्राचीन काल से यह यहाँ पर गायों का विशेष गौशाला के रूप में गोंडा, जब गोनर्द था, गोनर्द से गोष्ठ, गोष्ठ से गोंडा और गोंडा से गोंडा हो गया। पतंजल के विषय में यह उल्लेख है कि पतंजल ने भगवान शेष से कहा कि मेरी विद्या का विकास नहीं हुआ। भगवान श्री हरि ने कहा कि द्वापर और कल के संधि में पतंजल के रूप में आपका आविर्भाव होगा, उस समय आपकी विद्या का विकास होगा। महर्षि पतंजल एक गोलिका नाम की एक कन्या थी, भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी और वह कन्या कुमारी कन्या थी। जिस समय वो दक्षित होकर के भगवान सूर्य को जल दे रही थी, उसी समय उस कन्या के अंजल में सर्प के रूप में और वही सर्प शेष के रूप में और फिर नीचे गिर गया। तो पतति अंजलि, अंजलि से जो गिर गए, इसलिए उनका नाम हुआ पतंजल। और पतंजल शेष के अवतार थे। पतंजल जब शेष के अवतार थे और उन्होंने अपनी विद्या के विकास में यह जो है कि द्वापर में होगा, द्वापर और कल के संधि में पतंजल छात्रों को पढ़ाते थे। और जब पर्दा लगा रहता था, उनको कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि शेष के अवतार थे, हजारों मुख से पढ़ाते थे। एक दिन एक विद्यार्थी कुतूहलवश
एक छोटा सा डंडा पड़ा हुआ था, उसने डंडे से पर्दे को हटा दिया। जब पर्दा जो ही उठाया तो पतंजल शेष के अवतार थे सर्पाकार, वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और सारे विद्यार्थी जलकर भस्म हो गए। एक विद्यार्थी जल पीने गया था, लौट कर आया तो पतंजल जी ने कहा मेरी आज्ञा के कहाँ बिना आप किधर गए थे? उसने कहा मैं जल पीने गया था। तो मार पतंजल जी ने उसको श्राप दे दिया कि जाकर तुम पिशाच हो जाओ। तो उसने बहुत अन्याय विनय किया तो कहा कि मेरी मुक्ति का उद्धार। तो पतंजल जी ने कहा कि जब मेरे द्वारा ये जो विद्या पढ़ाई गई है इसका जब तुम वो करोगे, तो पीपल के पत्ते पर रहने लगा पीपल पर, और जो लोग कह रहे थे इसका जो उत्तर दे देगा वही इसे वो इसका विकास होगा मेरी विद्या का। तो उस समय पत्ते पर लिख लिख डालता था, कोई नहीं जान पाता। एक विद्यार्थी आया जो प्रश्न, एक विद्वान जा रहा था तो उसने प्रश्न पूछा, उत्तर उत्तर दिया, तो उन्होंने कहा ये जरूर कर गया। तो पतंजल के पढ़ाए हुए सूत्रों को वो वहाँ से पत्तल में लिख करके जो पिशाच था डाल जाता था उठा दिए जाते थे। संयोग से एक बकरी आ गई तो कुछ पत्तों को बकरी खा गई, इसलिए है कि अजाह मतलब कि बकरी कुछ खा गई, अजाह चरवंती। तो इस तरह से मतलब पतंजल के भाष्य का वो हुआ। अब कोड़र क्यों नाम पड़ा? जब पर्दे को उठाए तो कोड़ेर रियते छेते इत कोणर, जो कोण से उठाने पर जो अदृश्य हो गए, तो कोण से उठाने पर, इसीलिए इसका नाम कोड़र हुआ। अब क्योंकि उस समय जब छिप गए थे तो इसे तभी से कोड़र। और यह महर्षि पतंजल की जन्मभूमि है, पतंजल जी ने गोनर्देशात में लिखा है। पतंजल पुष्यमित्र सुंग के समय में हुए, उन्होंने अयोध्या में दो यज्ञ कराया और उनका प्रस्तर भी अयोध्या में लगा हुआ है महर्षि पतंजल का। इस तरह से पतंजल के विषय में यह अब लोगों के दृष्टि से भलीभांत समीचीन हो गया है कि पतंजल गोंडा के थे, यह इसमें कोई किसी प्रकार के नन्मत की जगह नहीं है। अब इसके विकास की जहाँ तक बात है, इस कार्य को मैं सनातन धर्म परिषद के द्वारा मैं पहले ही करता था, तब यहाँ बिल्कुल बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था और वह पेड़ गिर गया। तो वो उतना प्राचीन पेड़ तो शायद कहीं देखने को मिले। तो लोग आते थे 1994 से और करके चले जाते थे धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करते हुए कर इसके लगे रहे। और यहाँ पर मतलब पतंजल के विषय में शोध अपना कुछ बराबर जारी रहा। तो इस तरह से जब प्रयास किया गया तो शासन ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। अब इसके विकास की आवश्यकता है। विकास में हमने यूनेस्को को दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी दिया। तो महर्षि पतंजल अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय की स्थापना हो ताकि देश विदेश के लोग आकर यहाँ योगा से लाभान्वित हो सके और पतंजल जन्मभूमि का जो मैसेज है वो पूरे दुनिया में जा सके। तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय को भेजा इसके कार्य के लिए, लेकिन आयुष मंत्रालय ने कहा कि मेरा विभाग विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर पाया। तो इस तरह से बराबर कार्य चल रहा है। यहाँ पर एक महर्षि पतंजल अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय की आवश्यकता है और पतंजल के नाम से कोई अगर चिकित्सालय बने तो महर्षि पतंजल के नाम से चिकित्सालय हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ संस्कृत विद्यालय और योगा का बराबर उचलता है। यात्रियों के रहने के लिए यहाँ यात्री निवास, सामने जो पतंजल की एक झील है पतंजल झील का सौंदर्यीकरण कराया जाए और इसमें आने वाले जो पर्यटक हैं नौकायन कर सकें और उनके आकर्षण का केंद्र बन सके, और इस एक लाइब्रेरी हो शोध हो, इस तरह से अनेक कार्य हैं यात्री निवास। तो इस तरह से इसके विकास की होती है। कल संयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है से भी हम लोग मनाएंगे। हम लोग तो नहीं दे सके कहेंगे क्योंकि इसमें जो महामारी वैश्विक चल रही है इसलिए, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से कल किया जाएगा। तो आपने सुना डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य जी को, उन्होंने बताया कि पतंजलि का इतिहास क्या था और ये पतंजलि का जो जन्म स्थान है इसका और जिस गांव में ये स्थित है कोंडर गांव उसका और गोंडा जिले का इतिहास क्या था। तो आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं पतंजलि के इस जन्म स्थान पर गोंडा में? आप गोंडा मुख्यालय से फैज़ाबाद रोड पर आगे बढ़ेंगे, वजीरगंज से लगभग 2 किलोमीटर आगे अरगा झील का पुल पड़ता है, उस पुल के बगल से रास्ता है जो 3 किलोमीटर आगे बढ़ने पर, उस रास्ते पर आप कोंडर चौराहे पर पहुंचेंगे और उस चौराहे से दाहिने तरफ करीब 200 मीटर की दूरी पर ही कोंडर झील के किनारे ये पतंजलि का
जन्मस्थान है, तो यहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं। आइए और इस जगह को दूर दूर तक दुनिया भर में प्रचारित कीजिए। धन्यवाद।